हेलो दोस्तों, तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए COC की एक ऐसी फॉर्ड वीडियो जिसमें आप TH11 से TH11 को कैसा भाई इजीली क्लियर कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं भाई। मेरी वॉर हो चुकी है ख़त्म, जस्ट कुछ घंटों पहले ही मैंने यहाँ पे अटैक किया था। ठीक है भाई, मेरे दोनों अटैक हो चुके हैं क्लियर। ठीक है, जो मैंने अपने दो अटैक कर दिए हैं और दो अटैक का मैं रिप्ले आपको दिखा देता हूँ और मैं बता देता हूँ उसके लिए आपको कौन सी आर्मी बनानी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। आप उस आर्मी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम वॉर बेस में। तो भाई ये हम आ चुके हैं अपने वॉर बेस के अंदर। यहाँ पे भाई हमारी वॉर जो चल रही है, ये रही हमारी, ठीक है, 44 स्टार हमारे हैं भाई। अपोनेंट्स के हैं 30 स्टार। तो भाई ये है देखो नंबर 15 और नंबर 16 पे मैंने अटैक किया था। नंबर 15 को हम खोल लेते हैं यहाँ पे भाई। नंबर 15 को जैसे ही मैं खोलता हूँ यहाँ पे, आप देख चुके हो भाई कि जैसे ये 10-11 है जो थोड़ा टुच्चा सा है, बस इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो यहाँ से मैंने फ्लैंक करा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्रैगन और किंग को यहाँ से छोड़ दिया। देखो लेफ्ट से और राइट से वहाँ पे छोड़ दिया एक इलेक्ट्रिकल ड्रैगन। तो भैया यहाँ पे मैंने फनीलिंग कर दिया है, यहाँ पे मैंने बाकी इलेक्ट्रिकल ड्रैगन छोड़ दिया। और बात याद रखना भैया, बूस्ट अप कर लो अपने इसको, लेवल 2 का कर लो। तो पीछे से मैंने बलून छोड़ दिया भाई। लून छोड़ने के बाद मैंने अपने क्लैन में जो मेरे डोनेशन में लिए थे वो वाले लून भी मैंने छोड़ दिया भाई। दो रेज दे दिए मैंने यहाँ से, दोनों रेज पुश हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रीज स्पिल डाल देता हूँ उस इन्फर्नो टावर के ऊपर। तो भाई इन्फर्नो के टावर के ऊपर मैंने फ्रीज स्पिल डाल दिया। फिर दोबारा से मैं इसको फ्रीज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ये रॉकेट को फ्रीज कर दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, इसको फ्रीज करते ही भाई यहाँ पे लून्स मेरे आगे बढ़ चुके हैं हेस्ट से, और दोबारा मैंने रेंज दे दिया भाई। रेंज देने के बाद ही भाई यहाँ से लून मेरे हो जाते हैं आगे, और लून आगे थोड़े बहुत पिट लेते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनके CC का एक लून बचा हुआ है, फिर भी देखो काफ़ी हद तक मेरे इन ड्रैगन्स ने क्लियर कर दिया भाई। इलेक्ट्रिकल ड्रैगन की जो डैमेज पावर होती है कति जहर है भाई, जहर। और हाँ एक बात और भाई, जो आर्मी है मैंने टोटल बूस्ट अप कर रखी है भाई, जिससे हमें पता है हमारे जो टाउन हॉल 11 की जो रिक्वायरमेंट होती है, जितने ट्रूप्स मैक्स हो सकते हैं उतने पूरे मैंने पुश कर दिए हैं भाई। तो उस स्पिल से जो पता है आपको भाई आजकल मिल जाती है स्पिल्स वाली, तो मैंने अभी कर दिया बूस्ट। तो भाई आपको अपने अप टू डेट अपने पूरे मैक्स रख के चलने प्लेयर भाई, तो आप इजीली ले सकते हो। तो देखो कैसे मैंने पूरा क्लियर कर दिया भाई, कुछ बचा ही नहीं भाई। मैंने क्वीन भी नहीं छोड़ी है अभी तक, क्वीन भी नहीं छोड़ी। अब मैंने क्वीन छोड़ी है यहाँ पे, जो भाई अब क्या बोलो, छोड़ो यार, अब समझ जाओ। जब मैंने क्वीन इतनी लास्ट में छोड़ी है तो सोचो ये टाउन हॉल कितना टुच्चा सा होगा। अब जो मेरी सेकंड वीडियो होगी उसको भाई बहुत ज़्यादा ध्यान से एकदम जरूर है भाई, देख लेना उसको भाई। उसका मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, जा करके देख लेना भाई। नंबर कतई चाहे कितना ही मैक्स टाउन 11 हो, टाउन 11 से वो टूट ही जाता है भाई। टूट जाता है तो टूट जाता है, लिख के ले लो भैया। मैंने तोड़ दिया तो तुम भी तोड़ सकते हो भाई। ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसका कोई तोड़ नहीं होता, ठीक है ना। किसी बंदे में इतनी ज़्यादा मरोड़ी नहीं होती। तो भाई ठीक है, वापस आता हूँ मैं अपने यहाँ पे बेस पे। यार हमारा भाई फार्मिंग बेस, तो यहाँ पे भाई मेरे कुछ अटैक्स हैं ना, ठीक है। तो भाई जाओ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो भैया। हम पबजी के ऐसे ट्रेंड में वीडियो जो पबजी ही चलती है, तो पबजी लाते रहते हैं, हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं भाई। आओ यार, ज्वाइन करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। तो भाई ठीक है भाई, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है भाई, इसी तरह हम देखते रहो हमारे वीडियो को और ज़्यादा प्यार दो। तो मैं एक रिकमेंड करता हूँ मैं एक चैनल को, जो मेरे दोस्त का चैनल है सुदेश गेमर भाई, जाओ उसको जाके सब्सक्राइब करो भैया। OP गेमर है भैया, एक नंबर का।